आज महाकाल की शरण में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी माहौल के बीच निकालेंगे रोड शो। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आई शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। गृह मंत्री अमित शाह आज उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में गृह मंत्री अमित शाह महाकाल के दर्शन करेंगे, साथ ही गृह मंत्री शाह यहां पर एक रोड शो भी करेंगे। एमपी चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद से ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में 3 दिन के दौरे पर है। इस दौरान चुनावी रणनीतियों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और रीवा क्षेत्र के कई नेताओं के साथ बैठक कर उनसे चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, पार्टी के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह का पूरा 1 दिन उज्जैन में बीतेगा। उज्जैन में वो महाकाल के दर्शन करेंगे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह यहां एक रोड शो भी करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक शनिवार यानी 28 अक्टूबर को सागर के खजुराहो में एक बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक के दौरान गृह मंत्री शाह 26 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की रीवा और शहडोल क्षेत्र में चुनावी बैठक करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री शाह उज्जैन जाएंगे, जहाँ वो महाकाल मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर एक रोड शो करेंगे। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। बता दें, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। बता दें, शुक्रवार को पार्टी ने सूचना के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी। भगवा दल की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नामों को शामिल किया गया है। सूची में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम शिवराज समेत अन्य कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल है। बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद बाकी राज्यों के साथ ही 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश के भी चुनावी नतीजों का ऐलान किया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।